हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर। एंड एज वी नो वेरी वेल कि जब भी हमें स्क्वायर निकालना होता है तो हमें उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे हमें 5 का स्क्वायर निकालना है तो हमें 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मींस 5 5 इज 25। 5 एक बहुत छोटा नंबर है इसीलिए हमने बहुत इजीली इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। बट अगर हमारा नंबर 37 हो, 93 हो, 56 हो, अगर हमारे पास ये नंबर है तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में बहुत टाइम लगता है। तो उसके लिए आज हम ट्रिक्स यूज करेंगे। तो हमारी फर्स्ट ट्रिक है, जैसे हमें 37 का स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे। जब हमें इसका स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले जो हमारा पीछे वाला नंबर है वंस डिजिट का, हम उसका स्क्वायर करेंगे। मतलब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। फिर पहले वाला जो नंबर है इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब है बीच में जो स्पेस है हम उसमें क्या लिखेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। यानी 3 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 2। 3 7 जा 21, 21 मल्टीप्लाई 2 इट इज 42। ऐसे। पर क्या इतना बड़ा नंबर आएगा इसका आंसर? नहीं, अभी एक स्टेप हो रहा है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अभी हम इसका करेंगे सेकंड स्टेप। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, जो लास्ट वाला डिजिट है उसको एज इट इज, यानी 9 एज इट इज। जो इसका 4 डिजिट है इसको अगले वाले के साथ एड करेंगे। मतलब 4 + 2 हमारा आंसर कितना आया, इट इज 6। फिर बचा इधर क्या 4। 4 और 9 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 13। ये है हमारा इसका स्क्वायर।